हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं बॉयल किया हुआ अंडा, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा फ्राई। इसके लिए मैंने प्याज बारीक बारीक काट रखा है, और इधर हरी मिर्च, अदरक बारीक कटा, टमाटर, धनिया पत्ता। तो चलिए अब हम बनाते हैं। ये सरसों तेल है, गर्म हो चुका है। तो पहले मैं डालूंगी इसमें जीरा। आँच तेज कर देती हूँ, जीरा जैसे ही चटक जाए। फिर थोड़ी हरी मिर्च, इसके बाद ये अंडा। पहले मैं इसे उल्टा करके फ्राई कर देती हूँ। अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा नमक, ताकि अंडा में अच्छे से आ जाए। इसमें मैं दो बार नमक देती हूँ, एक बार अंडा बॉयल होने के टाइम में, और एक बार जब मैं प्याज दूँगी उसके बाद। अंडा हल्का हल्का फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें प्याज डला देती हूँ। ये बारीक कटा हुआ प्याज ऐसे चारों तरफ फैला के। प्याज, इसके बाद थोड़ा सा अदरक, इसे थोड़ा संभाल संभाल के चलाना होता है, ताकि अंडा भी ना टूटे और प्याज भी फ्राई हो जाए। प्याज आधा फ्राई हो चुका है, ये देखिए गाइस। अब हम इसमें टमाटर मिलाएंगे, बारीक कटा हुआ टमाटर थोड़ा। इसके बाद थोड़ा नमक, थोड़ा नमक और हल्दी। ये अंडा का येलो वाला भाग बाहर आ गया, इसे फ्राई कर लेती हूँ। ये चूर नहीं होना चाहिए, चूर हो जाता है तो फिर अच्छे से फ्राई नहीं हो पाता। ये प्याज पूरा ही फ्राई नहीं करना है, बस आधा अधूरा। आज का हमारा डिनर में है फ्राई किया हुआ अंडा और रोटी और गाजर का हलवा। इसे मैं एक दो मिनट के लिए और फ्राई करूँगी, उसके बाद मेरा अंडा फ्राई तैयार। ये बनाना बिल्कुल ही आसान है गाइज, आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। ग्रेवी वाले से थोड़ा सा अलग है, ये फ्राई किया हुआ है, इसमें कुछ मसाला वसाला नहीं है, धनिया नहीं है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये अंडा फ्राई हो चुका है और प्याज भी फ्राई हो चुका है। ये देखिए आधा अधूरा ही फ्राई होना करना है, क्योंकि ग्रेवी तो इसी का ऐसी के संग खाना है। अब मैं लास्ट में इसमें डालूंगी धनिया पत्ता। और ये देखने में भी अच्छा लग रहा है, हरा हरा धनिया पत्ता इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये मेरा अंडा फ्राई तैयार हो गया। आज का हमारा डिनर यही था, फ्राई किया अंडा, गाजर का हलवा और रोटी। ये मिष्टी खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट में बताइए कैसा लगा मेरा ये वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस देखिए, ये मेरा अंडा फ्राई किया हुआ तैयार हो चुका है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। आप लोग भी प्लीज़ एक बार जरूर बना ट्राई कीजिए, बनाना बिल्कुल ही आसान है। आज का हमारा डिनर है अंडा फ्राई, गाजर का हलवा और चपाती। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।